है, थोड़ी अंदर जड़े वगैरह है, पानी इकट्ठा हो चुका है। दोस्तों एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग वीडियो के अंदर स्वागत है। तो गाइस पिछला वीडियो हमने एक और इस जगह पर वीडियो शूट किया था, उस टाइम भी यहाँ पर बरसात हो रही थी और अभी भी बरसात हो रही है, तो हम इसी मौसम में आए हैं यहाँ पर वीडियो को शूट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की अभी बरसात हो रही है, पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही थी। और गाइस अभी थोड़ी कम है बरसात तो, और आप देख सकते हैं पानी धीरे धीरे यहाँ से नीचे जा रहा है और हम इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर घूम रहे हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पर पिछली बार हम यहाँ पर आए थे ना, तब हमने वीडियो को नीचे शूट किया था, थोड़ा सा ऊपर भी आए थे, और फिलहाल अभी हम ऊपर का व्यू आपको दिखा रहे हैं, कितना शानदार है गाइस देख लो आप। तो गाइस ज़्यादा बारिश थी इसलिए हमने ये वाटरप्रूफ पॉलीथीन ली थी जो मोबाइल के लिए। तो गाइस आप देख लीजिए कितनी चारों तरफ कितनी हरियाली है, सारे के सारे इतने सारे पेड़ पौधे, और ये कितना बड़ा पहाड़ है आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक ये पहाड़, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, पीछे तक है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ना, ये एक पेड़ था जो एकदम पूरा का पूरा एकदम बिखर चुका है। तो गाइस इस पेड़ के आप देख सकते हैं कितने खतरनाक कांटे हैं, कितने थिके थिके एकदम नुकीले नुकीले। तो गाइस यहाँ पर क्या है, बरसात बहुत ज़्यादा होती ना तो यहाँ पर चारों तरफ ये पहाड़ है जहाँ पर ये पूरी काई जम चुकी है, लील जिसे हम लील कहते हैं, एकदम पूरा पूरा ग्रीन ग्रीन हो चुका है। ये एकदम पैर रखता है ना, एकदम देखो गाइस ये किसी का पैर था यहाँ पर, एकदम फिसला था, बहुत चिकनी है ये, देखो पैर रख तो ही आगे फिसल जाते हैं। तो गाइस आप देख लीजिए यार कितना शानदार एकदम साफ सुथरा पानी है ये, अंदर तो ये लील है, ये देखो मैं चप्पल अंदर डाल रहा हूँ, वो देखो गाइस सामने काई आ रही है, चलते हैं आगे। और यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं कितना साफ सुथरा, अंदर एकदम पत्थर है ना जो भी एकदम साफ दिख रहे हैं ये देखो गाइस। तो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ जहाँ लील जमी हुई है ना, जो काई वगैरह है उसके अंदर पैर नहीं रखते हैं, पैर रखते हुए फिसल एकदम फिसलन, इतनी फिसलन है कि एकदम गिर जाओगे आप, ये देखो गाय आई ऊपर। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हीं चट्टानों से ये पानी इकट्ठा हो चुका है, थोड़ा गहरा है ये देखो गाइस, ज़्यादा तो नहीं है, लगभग आधा फिट होगा। और यहाँ पर ये पानी बह रहा है, यहाँ देखो गाइस खतरनाक गाइस भाई साहब, ये देखो ये पेड़ है ना, ये पानी यहाँ से आ रहा है इस साइड से, इधर से इधर से होता हुआ ये एकदम पानी इस पेड़ की जड़ों के अंदर जा रहा है, यहाँ से फिर आगे चला जाता है। गाइस ये पेड़ है ना, इससे आप क्या कहते हैं, ये राजस्थान के अंदर बहुत सारे होते हैं, कांटे ही कांटे हैं, देखो कितने सारे कांटे हैं गाइस, ये देखो पूरा का पूरा ये कांटों से भरा ये पेड़ है। और ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, देखो एक ये रहा, एक वहाँ आगे की साइड और था पीछे, और ये अलग अलग पेड़ है वहाँ, एक देखो गाइस कितना खतरनाक पेड़ है जो पूरा का पूरा टूट चुका है, एकदम पूरा ख़राब हो चुका है वहाँ, वो गाय एक ही गाय है। और पानी तो यार गाइस बहुत सारा भरा हुआ है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि अभी बरसात धीरे कम हो चुकी है, पहले इतनी तेज़ थी बहुत खतरनाक। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ देखो गाइस कोई भी नहीं है, जो भी है सारे के सारे नीचे है उसी पहाड़ के नीचे। और अभी यहाँ फ़िलहाल मैं अकेला खड़ा हूँ, और वो ही गाय थी जो आगे चली गई, और थोड़ा आगे चलते हैं देखते हैं और क्या है। तो गाइस चारों तरफ ये पहाड़ है और इतने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, बहुत सारे हरियाली, पूरी पूरी हरियाली है। तो गाइस ये कितना साफ सुथरा पानी है, एकदम साफ सुथरा। यहाँ देख सकते हैं देखो गाइस पत्थर है ना, एकदम साफ सुथरे अंदर दिख रहे हैं ये दो गाइस, मैं अंदर आपको मेरा हाथ भी दिख रहा होगा एकदम साफ, कितना एकदम, आप जो पानी पीते हो ना उससे भी ये साफ है, देखो एकदम अंदर एक भी कचरा नहीं है, एकदम कितना साफ सुथरा है। थोड़ा और आगे चलते हैं, और गाइस ये देखो ये पेड़ है एकदम, इसके थोड़े पत्ते कम हैं, बाकी ये पेड़ है ना जो गर्मियों के अंदर जितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत भी हरा भरा रहता है, एनी टाइम 12 महीने देख लो कभी भी एकदम हरा भरा रहेगा। तो गाइस पानी है ना उन्हीं पहाड़ों से होता हुआ आगे आ रहा है, वो पहाड़ है ना वहाँ से, इन्हीं जंगलों से, ये पूरा जंगली एरिया है,
क्योंकि पहाड़ के ऊपर जंगल बना हुआ है थोड़ा थोड़ा है, पर ये गर्मी होती ना, गर्मियों के मौसम ये सारे के सारे पेड़ सूख जाते हैं। ये देखो गाइस, ये पेड़ है ना पूरा गिर चुका है, ये देखो पूरा गिर चुका है तो भी एकदम हरा भरा है। वहाँ से देखो कितना खतरनाक नज़र है ना ऊपर, एक नंबर गाइस, खतरनाक भाई साहब। यहाँ पर देखो गाइस पानी देखो इसका, ये ज़्यादा गहरा नहीं है एक भी, सारे के सारे मतलब पहाड़ी के अंदर तो ये पानी बहता है ना, तो ये चट्टाने अपना आप जगह बना लेती है पानी का। और यहाँ पर ये क्या है गाइस, पत्थर है पत्थर और कुछ नहीं। और ये पानी है ना ज़्यादा दिनों तक पड़ा रहेगा ना तो ऑटोमेटिक इसके अंदर जीव वगैरह क्या कहते हैं वो मछली वगैरह होती है अंदर। अब ये क्या है, अभी का पानी है तो इसमें अभी फ़िलहाल एकदम साफ सुथ। ये गाइस पेड़ थोड़ा गिर तो चुका है पर है थोड़ी अंदर जड़े वगैरह है अंदर। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर तो है ना पूरा का पूरा जंगल है, इतनी देर तक तो यहाँ पर चट्टाने थी और यहाँ आगे पूरा का पूरा हरा भरा जंगली एरिया है पूरा। अंदर कैसे कैसे जानवर हो सकते हैं वो हमें पता नहीं है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है आगे। पर आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कांटे हैं और मैंने यहाँ पर चप्पल पहन कर आया हूँ। तो गाइस अंदर मैं गया था, ये दो कांटे चुभ रहे हैं अंदर, तो यहाँ तो नहीं जा सकता, इधर चलते हैं आगे, कोई और देखते हैं रास्ता हो तो वहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ कांटे हैं। अंदर जाऊँगा क्या पता, थोड़ा बहुत तो चला जाऊँगा, फिर आगे बहुत सारे कांटे हैं और गहरी गहरी झाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा। और आपको यहाँ से व्यू दिख रहा होगा यार गाइस, बहुत शानदार नज़ारा है, कितने सारे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक ये पहाड़ है। और अभी हम जमीन तल से बहुत ऊपर है और ये गांव है आगे इस साइड में, थोड़ा सा दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर है यहाँ पर गाँव। और यहाँ पर कोई भी घर नहीं है, ऊपर देख सकते हैं चारों तरफ कोई भी घर नज़र नहीं आएगा आपको। तो गाइस आगे चलते हैं वापस। यहाँ पर गाइस है ना गाय वगैरह, तो अभी तो बारिश हो रही है इसलिए गाय नज़र नहीं आ रही होगी, बाकी यहाँ पर सारे सारे यहाँ पर बहुत सारी गाय होती है जो चरती रहती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा चारा वगैरह है उनके खाने के लिए, क्योंकि हरा भरा रहता है ये। और ये जब तक वापस गर्मी का मौसम नहीं आएगा ना तब तक ये हरा भरा ही रहेगा पूरा का पूरा एरिया। तो यहाँ पर चलता हूँ मैं गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी घनी एकदम गहरी गहरी झाड़ियाँ उग चुकी है। और ऐसी जगहों पर होते हैं सांप बिच्छू मतलब छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, इन्हीं झाड़ियों के बीच में फंसे रहते हैं, देख सकते हैं पता भी नहीं चलता है। तो अभी मैं चप्पल पहन कर आया था, चलते हैं ध्यान से देख देख कर चलेंगे। और जहाँ पर ये काई जमी होती है ना, ये देखो यहाँ पर उनके ऊपर तो बिल्कुल भी पैर रखना ही नहीं है। देखो यहाँ पर किसी ने पैर रखा था, उसका भी पैर फिसल गया। और मैं जब यहाँ पर आया था ना तब दो बाइक लेकर आए थे लोग थे, तो उनकी गाड़ी क्या बाइक जो काई के ऊपर चढ़ी थी ना फिसल गई, ये देखो यहाँ पर। और हमारी गाड़ी वगैरह नीचे खड़ी है, चलते हैं आगे थोड़ा। और गाइस ये देखो एक और पेड़। गाइस क्या है कि वीडियो सही से शूट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे कैमरे पर थोड़ी सी बारिश गिरने से ये ब्लर हो जाता है, वीडियो सही से नहीं बन रहा है, इसलिए हम ज़्यादा कर वापस सामने वाले कैमरे से बना रहा हूँ वीडियो। तो गाइस क्या नज़ारा है यहाँ पर, कितना खतरनाक, आप देख सकते हैं वहाँ पर हल्की हल्की बारिश, घूमने का क्या एंजॉय है यहाँ पर। और ऐसी जगहों पर हमेशा जितने ज़्यादा लोग आते हैं ना अलग ही नज़ारा है, ऐसी जगहों पर अकेले घूमना रिस्क होती है पूरी की पूरी, क्योंकि ऐसी जगहों पर जंगली जानवर दिखने को मिल सकते हैं आपको। और गाइस वहाँ पर आप देख लीजिए वहाँ एक घर है, वो देखो वहाँ पर उस साइड में थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा दूर है नज़दीक नहीं है। तो गाइस ये कुछ पिलर वगैरह बने हुए हैं, ये देखो यहाँ पर 1-2-3-4 बहुत सारे यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ से लेकर वहाँ तक
ये कुछ पता नहीं किसी का एरिया होगा, ऊपर भी किन्हीं का प्लॉट वगैरह हो सकता है, कोई खेत वगैरह पहले कैसे बनाए हुए। तो चलते हैं वापस जहाँ से हम आए थे ना, वो रास्ता आपको दिखाता हूँ। और गाइस वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और हो सके वीडियो को शेयर भी करो। और गाइस मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आप देख सकते कितनी सारी गाय वगैरह ऊपर आ चुकी है, और इनका रास्ता ना यहाँ से आती है, इस साइड से आगे रास्ता है, गायों के लिए अलग है रास्ता। और हम आए थे ना डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर चढ़कर आ गए थे, यहाँ से यह रास्ता था, पानी बह रहा था, वहाँ से हम डायरेक्ट आए थे। और नीचे महादेव जी का मंदिर है अरणेश्वर महादेव, और ये गांव है अरणेश्वर महादेव चौखा के अंदर आता है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर आता है राजस्थान के अंदर। और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ नीचे वापस, और जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, और गाइस वहाँ पर ये ना पानी बह रहा था बहुत ही खतरनाक, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा इसी वीडियो के अंदर। और ऐसा व्यू आपको बारिश के मौसम में दिखता है, ओनली बारिश, किसी मौसम में ऐसा व्यू नहीं आता है, खतरनाक गाइस। और अभी लगभग दोपहर के 1-2 बज रहे हैं, तो गाइस अभी दोपहर के 1-2 बज रहे हैं तो भी गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, और धूप भी नहीं निकली, देख सकते चारों तरफ एकदम छाया छाया और बारिश, एकदम बादल छाए हुए हैं। ये पेड़ है ना सारे के सारे, जहाँ चट्टानों के बीच में जगह होती है ना वहीं पर उगे हुए, देख लो यहाँ पर चट्टान है, यहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, ओनली ये पानी भरा हुआ है। और ये देखो यहाँ पर बीच में जगह है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, तो वहीं पर ये चट्टानों के बीच में पेड़ पौधे है। और ये गाय वगैरह आगे जा रही है, फिलहाल मैं चलता हूँ नीचे। वहाँ पर सामने आप देख सकते कितने सारे लोग ऊपर आ चुके हैं, और नीचे झरना बह रहा था खतरनाक, और वहाँ से अभी ये ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, तो ये आप देख सकते हैं दो चट्टान है, इनके बीच में से पानी जा रहा है, यहाँ पर ये किसी ने ये चट्टान को नहीं काटा है, अपना ऑटोमेटिक ही कुदरत से ये बन चुकी है प्राकृतिक रूप से। यहाँ देखो ये पानी जा रहा है ना, एकदम अपना आप अपना रास्ता बना लेता है पानी, जहाँ से पानी बहता है ना, ये देखो यहाँ से भी ये पानी अपना रास्ता बना रहा है। तो गाइस ये कुछ नज़ारा है, यहाँ से हम आए थे ऊपर, तो ये देख सकते कितने बड़े बड़े झरने बह रहे हैं, और वहाँ पर ये लोग ऊपर भी चढ़ चुके हैं, यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है, तो इस साइड से हम ऊपर आए थे। तो गाइस यहाँ पर जहाँ नील जमीन है बहुत ज़्यादा फिसलन है, ये देखो यहाँ पर,
तो गाइस फिलहाल हम यहाँ से आए थे, यहाँ पर है महादेव जी का मंदिर और चलते हैं वापस अपनी गाड़ी के पास। तो उन्हीं पहाड़ों के ऊपर हम घूम रहे थे इतनी देर, वापस नीचे भी आ चुके हैं तो चलते हैं वापस बाहर। और यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं और ये यहाँ पर बहुत गहरा है। यहाँ पर वो देखो वहाँ पर ऐसे लोहे के पिलर भी लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर तो हम नहीं जाएंगे, साइड साइड से निकलते हैं। तो यहाँ देखो गाइस ये पानी यहाँ से आ रहा है अंदर से, गजब। यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है एक इस साइड में और एक इस साइड में बना हुआ है, और वहाँ सामने हमने अपनी गाड़ी वगैरह पार्किंग की थी। चलते हैं गाड़ी के पास। तो गाइस ये है रास्ता, यहाँ से गाय वगैरह ऊपर जाती है, आप भी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ये यहाँ पर मेन गेट है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने का रास्ता है। और हम यहाँ से गए थे आगे और यहाँ पानी के दो कुंड बने हुए हैं, ये देख सकते, ये पानी यहाँ से बाहर आ रहा है। तो गाइस हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।